सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यह फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस करते हुए आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो सर्वप्रथम आते हैं यहाँ पर फिंगर की लेंथ के विषय में। तो यहाँ पर जो मेन इस चीज़ में, इस पाम में देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इंसान हर चीज़ का, ऐसा जो पाम रहता है और जो पाम लाइंस रहती हैं, ऐसे व्यक्ति हर चीज़ के लिए कैपेबल रहते हैं। अभी मैं आगे चल के सब एक एक करके इन सब के बारे में शो करूंगा। और यहाँ पर मेनली जो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, UPSC, NEET, इन सबसे रिलेटेड ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो पहले ही बता दूँ, ये एक फीमेल हैंड है और यहाँ पर जो यहाँ पर फिंगर का साइज है पूरे पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है। जब फिंगर लॉन्ग देखने को मिले तो ऐसे व्यक्तियों में एनालिटिकल पर्सनैलिटी अच्छी होती है, यानी हर काम को बहुत सोच विचार कर करना, एक एक कदम बहुत फूक फूक कर रखना, यानी हर चीज़ का नॉलेज रहना और हर चीज़ को बहुत, हर काम का जो रिप्रेजेंटेशन जो होता है बेसिकली, बहुत अच्छे से देने वाले रहते हैं। इसके अलावा पेशेंस लेवल भी अच्छा होता है और फिंगर में बनने वाला गैप एक प्रकार का इंडिपेंडेंट नेचर देता है। तो ऐसे व्यक्ति खुले स्वभाव के रहते हैं, स्वतंत्र विचारों वाले, और ऐसे ही किसी वर्ग को प्रेफर करते हैं जिसमें इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, ज़्यादा इनके ऊपर कोई लोड या फोर्स कोई ना डाल सके। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पर शॉर्ट है, तो जैसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थोड़ी रह सकती है, जैसे कहीं ना कहीं अपनी बात को नहीं रख पाना, एक प्रकार की हिचकिचाहट, अपोजिट जेंडर के प्रति कहीं ना कहीं शर्माना, तो थोड़ा किसी न किसी बहाने कम्युनिकेशन में ट्रबल महसूस होता है। लेकिन फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा, फ्रेंडली नेचर और हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने की काबिलियत को बताता है। लेकिन वही जब आड़ी रेखा फिंगर के ऊपर हो जाए तो ये अपनों से ही होने वाले मतभेद एवं अनबन के योगों को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। अब जैसे देख पा रहे हैं कि थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ तकरीबन सेम है, तो थर्ड फिंगर क्या देती है, व्यक्ति को रिस्क टेकिंग नेचर देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में रिस्क लेता है। इसके अलावा जब गुरु भी सेम लंबाई के साथ हो, बड़ा हो, तो ये व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी दे देता है। तो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी और रिस्क लेने से भी नहीं डरेंगे। और जब गुरु की फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होता है, जिसे नॉर्मली लोग ईगो कहते हैं कि ईगो ईगो, लेकिन वो एक्चुअली ईगो नहीं होता, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति खुद की कदर करने वाला, समझने, खुद की वैल्यू को समझने वाला देखने को मिलता है। इसके अलावा आते हैं थंब के साइज में, तो थंब का साइज भी यहाँ पर लॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन लाइफ में आप लेंगे उस डिसीजन के प्रति अड़िग भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्लक्चुएट हो रहा है आपका डिसीजन और उसके अंदर बार बार कुछ चेंजेस भी आप ला रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा। जो लाइफ में चाहेंगे बहुत, तो हर चीज़ को लेकर के लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियर आप रहेंगे। और जो अंगूठा है वो स्ट्रांग भी है, तो जो व्यक्तित्व है वो आपका लोगों के सामने निखर के आने वाला रहेगा। और जहाँ तक देख पा रहा हूँ यहाँ पर पाम का जो साइज़ है वो रेक्टेंगुलर है, तो बोलने की कला आप जैसे लोगों में अच्छी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान जो है जीवन में बहुत अच्छा अर्जित करेंगे आप, और यहाँ पर आपका मंगल का एरिया जो है अच्छा डेवलप है। तो खाली बैठना तो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखना, कुछ हाई प्रोफाइल वर्क, कुछ लोड वाला काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, अथॉरिटी वाला काम आप अपने लाइफ में पाना चाहेंगे, और ये चीज़ें आपको मिलेगी भी। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंगली व्यक्ति कैपेबल ज़्यादा होता है। अब जैसे मंगल जो है आपके हाथ में अच्छा एरिया यहाँ पर ले रहा है, तो व्यक्ति बहुत साहसी किस्म का होता है, थोड़ी सी धैर्य में हल्की सी कमी जरूर यहाँ पर रह सकती है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानने वाला होता है, क्योंकि मंगल योद्धात्मक गतिविधि को बताता है। तो शारीरिक बल और मानसिक बल दोनों आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में रहेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत व रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो गुरु का जो एरिया है थोड़ा यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन यहाँ जो क्रॉस का साइन है ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हर फील्ड का जानकार होता है, तो आपको हर फील्ड का कुछ ना कुछ ज्ञान रहेगा, जुगाड़ भी आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा हर फील्ड के लोगों से, जिसके कारण काम भी कहीं ना कहीं आसानी से आपके बनेंगे, और उसका इंडिकेशन यहाँ पर है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन गुरु पर जब क्रॉस बनता है तो ये सबसे पहले मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है, तो आपका जो मैरिड लाइफ है वो सक्सेसफुल साबित होगा, स्पाउस बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है,
उनके घर बार से भी आपको बहुत ज़्यादा एक प्रकार का सहयोग मिलेगा, उनसे बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो जो मेरिड लाइफ है बहुत अच्छे ट्रैक पर और बहुत सेटिस्फेक्शन स्टेबल जो है रहने वाली रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो मनी अच्छा रहता है, हर प्रकार की लग्जरी सुख सुविधा रहती है, और उसके अलावा सबसे मेन ज्ञान होता है। तो ज्ञान तो हर प्रकार से आपके पास रहेगा, और ज्ञान ही आपको आपके जीवन बहुत आगे तक आपको लेकर के जाएगा। इसके अलावा कुछ आड़ी रेखा भी है जो एक प्रकार के दयालुपन को और डबल ट्रिबल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। और जैसे शनि के क्षेत्र पर हम आते हैं आपके, तो यहाँ पर आपके हाथ में दो भाग्य रेखा निकल रही है, एक चंद्र के एरिया से निकल के सीधे जो है शनि तक पहुँची हुई है, और एक आपके लाइफ लाइन से निकली निकल के बार बार जा रही है। शनि के माफ करें चंद्र के क्षेत्र से जो रेखा निकली हुई है ये बाहरी दुनिया, बाहरी लोग, जन्म स्थान से दूर, घर बार से दूर जो जगह होती है, जो लोग होते हैं उनसे जो सहयोग मिलता है उसको ये बताता है कि आप दूसरों के सहयोग प्रोत्साहन के कारण बहुत आगे बढ़ेंगे। और जन्म स्थान से दूर ही आपका प्रोग्रेस है, जन्म स्थान पर आपका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। इसके अलावा शादी के बाद आपको प्रोग्रेस रहेगा, फॉरेन जाना, फॉरेन से कनेक्शन, अप डाउन, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड काम करते रहना फॉरेन से, इसको भी यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। दूसरा जो लाइफ लाइन से आपकी भाग्य रेखा निकल रही है ये सेल्फ मेड लक लाइन है, यानी आप अपने खुद के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं, और यही रीज़न है कि आप अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखेंगे, यानी जो जो आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे चाहेंगे, क्योंकि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डाल देते जो जो आपको नीड रहता है, जो चाहिए रहता है। तो इसीलिए ये सेल्फ मेड लक होता है जिसके कारण व्यक्ति खुद से ही अपना जो है कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करने वाला होता है। तो ये जान लीजिए कि आपका किया हुआ मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और यहाँ पर शनि के क्षेत्र पर एक से अत्यधिक रेखा यानी डबल ट्रिबल सोर्स ऑफ अर्निंग को बताता है, यानी एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन रहेगा, और पर्याप्त मात्रा में आपके पास धन भी है, कोई कमी नहीं है। शनि के क्षेत्र पर आपका यहाँ पर जो है इसे बेसिकली स्क्वायर साइन यहाँ पर कहा जाता है, थोड़ा सा ये फिश का साइन के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जब इस प्रकार का साइन बनता है, स्क्वायर सर्कल जब बनता है और इसका मुंह बुध यहाँ पर गुरु और शनि के बीच में हो, तो ये एक प्रकार के प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में आप एक्सीडेंट से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो जाते होंगे, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बाल बाल आप जो है बच गए होंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों से भी आप बच जाते होंगे, तो ये इसी कारण से, क्योंकि ये लाइफ में एक प्रकार से प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। और आपके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस साफ साफ यहाँ पर बन रहा है, एक हाफ है एक फुल है, तो ये यहाँ पर मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम को बताता है। तो कहीं ना कहीं मूड में बहुत जल्दी आपके चेंजेस आ जाते होंगे। और इसके अलावा आप अपनी लाइफ में लोगों के लिए बहुत काम करेंगे, यानी समाज सेवा, समाज के लिए एम्प्लॉयमेंट दूसरों को देना, सोशल वर्क जो है लाइफ में बेसिकली आप ज़्यादा करेंगे। तो पहले खुद का पेट आप भरेंगे, मतलब पहले खुद उस पोजीशन तक जाएंगे अच्छे, और फिर उसके बाद लोगों के लिए कहीं ना कहीं काम करेंगे, लेकिन मूड स्विंग के कारण थोड़ा सा ट्रबल आपको फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर जो रेखा होती है अच्छे नॉलेज को, अच्छे एडवाइस को इंडिकेट करती है, आप दूसरों को दे सकते हैं। और सूर्य रेखा आपके हाथ में यहाँ पर देखिए नीचे से ही चल रही है, ये जो रेखाएं चल रही हैं हल्की हल्की, सारी की सारी सूर्य रेखाएं असल में देखिए, लेकिन टूट टूट करके चल रही है। तो ये सूर्य रेखा जब टूट के चले तो ये कॉन्फिडेंस में कमी को बताता है, तो कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, फोकस में कमी आ जाता है, एम के प्रति जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसमें कमी आ जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर हल्की हल्की सी रेखाएं भी यहाँ पर काट रही है जो यही इंडिकेट करती है कि मेहनत तो आप भरपूर करेंगे लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आपका क्रेडिट कोई और ले जाता है, जिस चीज़ के आप हकदार है वो मिलते मिलते आपको रह जाता है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं करियर में रुकावट, बाधा, अनसेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी को बताता है। तो जो आपकी मेनली क्वेरी थी कि गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं, तो देखिए होगा तो 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें बाधा, थोड़े से चूक जाना, इन सबको थोड़ा ये इंडिकेट कर रहा है। तो बिल्कुल इन सबको हटाने के लिए आपको सूर्य के रेमेडीज करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जब आप कर लेंगे तो फिर कोई कमी रह ही नहीं जाएगा, UPSC तक आप जो है 100% क्लियर कर लेने वाले रहेंगे। मरकरी माउंट की चर्चा करें तो मरकरी माउंट भी आपका उभरा हुआ है, तो मन के अंदर कोई भी बात नहीं रखेंगे, आप किसी को बताएंगे नेगेटिविटी उसकी तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बताएंगे। और यहाँ पर भी इस प्रकार की आड़ी रेखा होना गुड कन्विंसिंग स्किल को, गुड सिंपैथेटिक नेचर को यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। और एक से अत्यधिक रेखा यानी दो बार कहीं ना कहीं अटैचमेंट को बताता है। हृदय रेखा आपकी इस प्रकार से निकलते हुए यहाँ पर
जो है गुरु से यहाँ पर कनेक्टेड हो रही है, जो आपका गर्डल ऑफ वीनस है उसके जो सपोर्टिव लाइन है उसके द्वारा ये यहाँ पर। तो बेसिकली फर्स्ट फोकस आपका आपका करियर पे, मनी के ऊपर, सेल्फ पर रहेगा, और देन आफ्टर शादी के बाद आप थोड़े इमोशनल और फैमिली से कनेक्टेड ज़्यादा रहने वाले रहेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ से जो आपकी रेखा निकल के जा रही है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, टूट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एग्रेशन को बताता है, तो आपका एग्रेशन बहुत ख़राब है। और फिलहाल तो इन सब चीज़ों पे आपका काबू हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग लाइफ में नहीं था। फिर माइंड लाइन पर आते हैं आपके, तो माइंड लाइन का फ्लो इस प्रकार से निकला हुआ है, और इसमें से एक ओवरलैपिंग लेते हुए ऊपर की ओर रेखा बायफोर्क होते हुए गई हुई है। जब ऊपर की ओर रेखा जाए, जितनी ऊपर की ओर जाती है रेखा, ये माइंड को और ज़्यादा स्ट्रांग पावरफुल बना देती है। तो ये गुड इंटेलिजेंसी को, कन्विंसिंग स्किल को बताता है। और मेन आपका माइंड लाइन स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को इंडिकेट करता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी को बताता है, और आप जैसे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ईजिली क्रैक भी कर लेने वाले रहते हैं, क्योंकि मेंटली ही जो मेंटलिटी ही उस प्रकार से आपकी बनी हुई रहती है। तो यही रीज़न है कि UPSC बिल्कुल आपका क्लियर होगा, क्योंकि साइंस बहुत ऊँचे ऊँचे हैं, गुरु भी आपका बेस्ट है जो हाई पोस्ट अथॉरिटी को बताता है, और सूर्य भी है लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ पड़ा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा ख़राब बात नहीं है। फिर यहाँ पर जो लाइफ लाइन है उसके फ्लो में भी यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर आ रहा है लाइफ लाइन के। तो तकरीबन 28 समथिंग एज तक आते आते लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, और उसके बाद से लग्जरी, सुख सुविधा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर चीज़ में सडनली बहुत आपका जो है चेंजेस हो जाने वाला रहेगा। अब जो मैं बता रहा था कि दूसरे लोगों के कारण आपको प्रोत्साहन मिलेगा और सपोर्ट के कारण आगे बढ़ेंगे, तो ये गार्जियन एंजल लाइन आपके हाथ में जो ये बन रहा है, ये सहयोग को ही बता रहा है। तो लाइफ में जब जब ट्रबल का सामना करना पड़ेगा आपको, तब तक दूसरों का सहयोग प्रॉपरली रहेगा। और ये जो यहाँ से रेखा निकल रही है, ये सारी की सारी मंगल रेखा है, और मंगल फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन को ही बताती है। तो आपको जो तकलीफ भी रहेगी वो फ्यूचर से रिलेटेड रहेगा, थोड़ा बहुत मेंटली डिप्रेस्ड आप फील कर सकते हैं अप्रोक्स 30s के एज में और 36-38 के बीच में, लेकिन उस समय भी आपको सहयोग प्रॉपरली मिल रहा है, तो जैसे प्रॉब्लम आया है वैसे चल भी जाएगा। मंगल की चर्चा करें तो अंदरूनी मंगल ठीक है आपका, और यहाँ से जो कुछ रेखाएं आपके मस्तिष्क से जुड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताती है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आने वाला रहेगा, और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद ब खुद लोगों को बोलेंगे कि दो मेरे को। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग को और उसमें होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करता है। शुक्र पर आड़ी रेखा होना थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि ये अननेसेसरी वरीज को बताता है, जो कि अपोजिट जेंडर के प्रति आपको रह सकती है किसी प्रकार की तकलीफ, मनी, हेल्थ, फैमिली लाइफ, इन सबसे रिलेटेड कुछ टेंशन या प्रॉब्लम आपको अननेसेसरीज वरीज, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वो ज़बरदस्ती आप लेंगे प्रॉब्लम टेंशन, उसको यहाँ इंडिकेट करता है। सीधी रेखा भाई बहनों के सहयोग के साथ गुड अपॉर्चुनिटीज़, लोगों के सहयोग को बताता है, और लग्जरीज तो आपके पास हर प्रकार की रहेगी, एक से ज़्यादा गाड़ी घोड़ा, बंगला, घर बार, हर चीज़ रहेगा। केतु माउंट नॉर्मल है आपका, और चंद्र से भाग्य रेखा ही निकला हुआ है, तो फॉरेन कनेक्शन रहेगा, मन का आप जीवन में ज़्यादा सुनेंगे एवं करेंगे। और मनी ट्रायंगल नहीं है हाथ में कोई प्रॉपरली इंडिपेंडेंट, तो ये नहीं कहा जा सकता कि धन आपके पास रोकेगा, परंतु धन आपके पास बेहद आएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।